बीजेपी के नए चुनावी कार्यालय में जिसका आज उद्घाटन होगा, उसके साथ साथ पूजन अर्चन भी होगा। अगर अंदर यज्ञ हवन की तैयारी हो रही है तो बाहर घाट से कम नहीं है। सब महिलाएं जो पार्टी की कार्यकर्ता हैं वो सजी हुई, उसके साथ साथ फूल, हाथों में फूल, शंख। अपने आप में बता रहा है कि ये शंखनाद सिर्फ आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उलूक ध्वनि भी। उलूक ध्वनि को बंगाल में दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हर अच्छे कार्य के पहले इसे किया जाता है। और उसके साथ साथ आज अगर पार्टी के लिए बड़ा दिन है तो दूसरा कारण ये है कि पार्टी में उन्हीं के बीजेपी के प्रेसिडेंट आकर इसका उद्घाटन करेंगे। हेस्टिंग्स इलाके में ये पार्टी ऑफिस पिछले कई महीनों से भलक यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसे चुनावी कार्यालय बना दिया जाएगा। दरअसल बात सिर्फ चुनावी कार्यालय की नहीं है, आज पश्चिम बंगाल में 9 से अधिक पार्टी के कार्यालय, या यूं कहें पार्टी के अलग अलग मुख्यालय जो उनके जिलों के बनेंगे, उनका भी उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ आने के बाद यज्ञ बाकी पूजन अर्चन के बाद जेपी नड्डा जाएंगे भवानीपुर। भवानीपुर वो सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, लेकिन इस बार बीजेपी ये फैसला ले रही है कि वो जहाँ एक और सेंध लगा रही है पार्टी में, तो वहीं दूसरी। और ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि कैसे आने वाले दिनों में एक के बाद एक रणनीति को तय करके दक्षिण बंगाल की ओर लाया जा रहा है। उत्तर बंगाल का एक दौरा हो चुका है, लेकिन अब दक्षिण बंगाल का दौरा बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कर रहे हैं। 2 दिन के इस दौरे में कई लोगों से मुलाकात करेंगे, पार्टी के विभिन्न समूहों से मुलाकात होगी। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो यहाँ पर तैयारियां हैं, फूल बरसाने के साथ साथ उलूक ध्वनि, शंख, ढाक की धुन आमतौर पर आपको दुर्गा पूजा के आसपास सुनने को मिलेगी, लेकिन ये अपने आप में बता रहा है कि कितना शुभ अवसर माना जा रहा है। पार्टी के लिए बड़ी बात है क्योंकि अब तक जहां पर पार्टी का कार्य होता रहा है बाकी सारे कार्यालयों से, लेकिन यहां पर अब पूरी तरह से फोकस होगा। करीब 4 से अधिक दल पर यहां पर औपचारिक रूप से पार्टी का काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से दक्षिण बंगाल में जहां एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी की पार्लियामेंट्री सीट पर भी कैंपेन होगा। ये पहला मौका है जब बीजेपी में दिल्ली से कोई नेता, या यू कहें राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता के आने के साथ साथ यहाँ पर अब सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पार्टी इसे मान रही है, जहाँ न सिर्फ ममता बनर्जी की सीट पर बल्कि उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी की सीट पर भी आएंगे और वहाँ पर कैंपेन करेंगे। और इन सबके बीच में जो जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, तो अपने आप में बता रही है एक और ढाक की धुन है, तो वहीं दूसरी ओर हाथों में फूलों की थाली और फूलों की थाली के साथ साथ स्वागत करने की तैयारी। चुनावी स्तर पर अगर बात करें तो बंगाल भाजपा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। 18 सीट जीतने के बाद पार्टी ये विश्वास कर रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनके साथ कुछ फायदा हो सके। बंगाल में राजनीति रणनीति पर एक और इनकंबेंसी है सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर कई और बातें भी हैं। हमारे साथ शमीक भट्टाचार्य जी, शमीक, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, न सिर्फ कार्यालय के लिए बल्कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी? Everything is important. People are very much enthusiastic just for receiving it. राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों से मुलाकात करना, बात करना और ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कैंपेन करना, क्या महत्व है? ममता बनर्जी का सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो देशबंधु चित्तरंजन दास का घर वही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर वही है, सुभाष चंद्र बोसू का घर वही है, मशहूर साहित्यकार बिमल मित्रो को भी दिनेश राय का घर वही है। बंगाल सिर्फ राजनीति नहीं, बंगाल की संस्कृति है। भवानीपुर एक ऐसा स्थान है वो एक अलग महत्व रखता है, इसलिए कोई पर्टिकुलर प्लेस। एक और जहां संस्कृति की बात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, लेकिन इन सब के बीच में लोगों से जुड़ने का प्रयास बीजेपी के नेता बार बार करते रहे हैं। एक हमेशा आरोप लगा है कि जो भी आ रहा है वो आउटसाइडर है, यानी कि बाहरी है, और इस आरोप को बार बार एक चुनौती के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम कर रही है बीजेपी। जहां लोगों की नाराजगी से तो बात हो ही रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैसे इसे वोट में तब्दील किया जा सके। आज का दिन पार्टी के लिए अगले 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा पार्टी कह रही है कि ये 2 दिन उनके लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, लेकिन दक्षिण बंगाल में जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो लगातार पार्टी विद्यासागर की मूर्ति के खंडित होने के बाद से
भारी थी, अब उस तरह की कोई चांस नहीं लेना चाहती है। उसके साथ साथ कई बातें भी ध्यान में रखी जा रही है, जैसे जितना संभव हो सके लोगों से जुड़ा जाए, जितना संभव हो सके कैंपेन्स किए जाए। और नोए ऑन एआई ये एक कैंपेन है जो पार्टी लगातार चला रही है, और इस कैंपेन के तहत लोगों से जुड़ा जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा जा रहा है, हर स्तर पर, न सिर्फ प्रांतिक स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर अब पार्टी जाने का प्रयास कर रही है। तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से ढाक ढोलकी और बाकी सारी तैयारियां है, ऊपर कई तल है जिसमें एक और मल्टीपल सेंटर्स बनाए गए हैं जिससे लोगों से बातचीत होगी। लेकिन जो चीजें बीजेपी इस समय बंगाल में करना चाह रही है उसमें एक और जहां सांस्कृतिक रूप से अंदर प्रवेश करना चाह रही है, बंगाल में लोगों के साथ बातचीत करके उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रख रही है कि आने वाले दिनों में जितना संभव हो सके एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अपने लिए उठाया जा सके, जिसे वोटों में तब्दील किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। भवानीपुर में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो ट्रेलिंग थी वो सीट, क्योंकि वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा भी है दक्षिण कोलकाता में, लेकिन आज जो ट्रेलिंग थी उसे किस तरह से हार में तब्दील किया जा सके। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।